हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बीबीए सेकंड सेमेस्टर का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल सेकंड, क्योंकि एग्जाम जो है 21 जून से स्टार्ट होने वाले हैं, तो अभी से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीवियस पेपर दे प्ले ए वेरी वाइटल रोल। ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल सेकेंड का पेपर है, ये 60 मार्क्स का है। टोटल मार्क्स 100 होते हैं, 40 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट है। और इसके अंदर क्या है कि 3 सेक्शन है, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है। तो सेक्शन ए के अंदर से हमें 2 क्वेश्चन करने हैं, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। सेक्शन बी के अंदर भी हमें 2 क्वेश्चन करने हैं, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। सेक्शन सी के अंदर हमें 10 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और वो ईच क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है और टोटल जो है 20 मार्क्स का है सी सेक्शन। अब हम देखते हैं सेक्शन ए के अंदर कौन से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट, इसका मतलब है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। ऑल्सो एक्सप्लेन एंड कंपेयर द अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट थॉट गिवन बाय टेलर एंड फ्यूल, तो आपने इसके अंदर टेलर की साइंटिफिक और जो है फ्यूल क्या है, दोनों की अप्रोच को आपने कंपेयर करना है। सेकेंड है मोटिवेशन कैन नॉट बी बूस्ट ऑलवेज बाय इंक्रीज सैलरी, तो इसमें अपने फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के बारे में बताना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन दी वेरियस मोटिवेशनल थ्योरी, जो मोटिवेशनल थ्योरीज है उनको ब्रीफली आपने डिस्क्राइब करना है। हाउ लीडरशिप रेक्टिफाई द इम्परफेक्शन ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप, स्टेट दी वेरियस टेक्निक्स ऑफ लीडरशिप, तो यहाँ पे लीडरशिप रोल और वेरियस टेक्निक्स ऑफ लीडरशिप के बारे में बताना है। The main purpose of communication is to effect changes in someone. Comment. Also explain the principles and process of effective communication. तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का रोल, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बताना है। तो यहाँ से हमने करनी है 2 क्वेश्चन। सेक्शन बी के अंदर अगेन देर आर 4 क्वेश्चन, जिसमें से आपको करनी है 2 क्वेश्चन। वट आर दी वेरियस डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की जो डिटर्मिनेंट्स है उसको बताना है। डिस्कस द जनरल कंक्लूजन यू ड्रॉ फ्रॉम द मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, तो जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मॉडल है तो उनकी जो हम इंटरप्रेट करते हैं उसको बताना है। Explain the challenges that a manager faced due to value difference across culture, कि जैसे different culture है तो वहाँ पे value system different होता है, तो हमें यहाँ पे also state various types of value. Group dynamic refer to the study of forces operating within a group. Explain the statement. Also state what are the variable that affect the group behavior. Nothing will move unless a decision is taken in the light of the statement. Explain the importance and technique of group decision making. तो यहाँ से भी आपको जो है 2 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन सी के अंदर आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। व्हाट इज ह्यूमन बिहेवियर मॉडल, एक्सप्लेन क्रिटिसिज्म ऑफ मैस्लो थ्योरी, व्हाट इज पैनलिस्टिक लीडरशिप, एक्सप्लेन एथिकल इश्यूज इन कम्युनिकेशन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, एक्सप्लेन मैनेजरियल चैलेंजेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, व्हाट आर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल बिहेवियर, व्हाट आर द टर्मिनल वैल्यू, एक्सप्लेन ग्रुप कोहेशन, explain the challenges of decision making.